हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक एंड आज हम बात करेंगे एक पब्लिक यूनिवर्सिटी से एप्लीकेशन फॉर्म की। तो जैसा कि हम हर रोज़ वीडियो लाते रहते हैं और जिसमें आपको किसी न किसी एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताया जाता है, तो इसकी भी लास्ट डेट 10 अगस्त 2022 है एंड ये एप्लीकेशन ऑनगोइंग है। ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है एंड नैक से ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है, मतलब UGC अप्रूव्ड है और यहाँ पर एग्जेम्प्ट कैटेगरी वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। मतलब एग्जेम्प्ट कैटेगरी यहाँ पर है जिसमें कि नेट, JRF, स्लेट, सेट इन सभी को एग्जेम्प्ट रखा गया है। ठीक है, आपके पास किसी प्रकार की टीचर फेलोशिप है तो भी आप एग्जेम्प्ट रहेंगे। यहाँ पर ओनली PG है आपके पास नेट, सेट ये सब नहीं है तो भी आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपये है और जो रिजर्वेशन कैंडिडेट हैं उनको 250 रुपये पे करना होगा। ठीक है, तो पूरी डिटेल देखेंगे। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाती है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके विजिट करके देख सकते हैं और जो भी क्वेश्चन है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि आप हमारे नए चैनल को अपना प्यार जरूर दें। जिस तरह से आप लोगों ने इस चैनल को आगे बढ़ाया है उसी तरह से उस चैनल को भी आगे बढ़ाएं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इन्वॉल्वमेंट तक नाम से चैनल है। वहां पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन, आपको डेली क्विज, ये सब चीज़ें, करंट अफेयर, इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड जानकारी, नॉलेज सब कुछ मिलेगी। तो बस आप लोगों को उसे सपोर्ट करना है। तो बढ़ते हैं आगे और इस नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन देखते हैं। ये यूनिवर्सिटी है भारतीहार यूनिवर्सिटी, ये कोयम्बटूर तमिलनाडु की यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET 2022 के लिए फॉर MPhil प्रोग्राम एंड PhD प्रोग्राम अक्टूबर 2022 एंड जुलाई 2023 सेशन के लिए है। यहाँ पर जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसका जो है एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन वो सब चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। एप्लीकेशन फ़ी आप देख सकते हैं 500 रुपये फॉर ऑल कैंडिडेट एंड 250 रुपये फॉर SC ST कैंडिडेट। ठीक है, इसकी लास्ट डेट 10 अगस्त 2022 है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इसका टेस्ट ऑनलाइन होगा। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट होगा। डेट एंड टाइम ऑफ CET जो है वो 29 अगस्त 2022 है 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, और ये जो है ऑनलाइन मोड में होगा। यहाँ पर नोट में कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट UGC, CSIR के, नेट, सेट या गेट, MPhil ये सब चीज़, या फिर टीचर फेलोशिप होल्डर हैं, DST इंस्पायर फेलोशिप हैं, किसी भी संस्थान में अगर साइंटिस्ट हैं तो, अगर आप एयरफोर्स के फैकल्टी के हैं तो भी, और अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना PG डिग्री एब्रॉड से लिया, मतलब विदेश, ऐसे लोग जो है वो उनको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे। ठीक है, यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और पासिंग मिनिमम ऑफ 15 मार्क्स आउट ऑफ 50 इज़ मैंडेटरी टू गेट एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू MPhil एंड PhD प्रोग्राम एज पर द रेगुलेशन ऑफ भारतीयार यूनिवर्सिटी। ठीक है, कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली कम्प्लीटेड CET ड्यूरिंग, अगर आपने 2021 में CET एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो आप इस बार नहीं अपीयर होंगे CET में, आप ऐसे डायरेक्ट इंटरव्यू में जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET फॉर MPhil PhD प्रोग्राम, और इससे जो रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शन है CET एग्ज़ाम के लिए, गाइडलाइन है CET एग्ज़ाम का, और यहाँ पर नोटिफिकेशन सबका लिंक इसी पे दिया गया है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको एक एक करके दिखा देते हैं और यहीं से आप क्लिक करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट साइट पर पहुँच जाएंगे, ये देख सकते हैं न्यू यूज़र आपको कर देना है। तो आप न्यू यूज़र पर जैसे क्लिक करेंगे आप अप्लाई, आप यहाँ फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड ये सब चीज़ें डाल के अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये इंस्ट्रक्शन का PDF है, यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप कैसे फिलअप करेंगे फॉर्म को, और यहाँ पर एलिजिबिलिटी बताई गई है कि कितनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास 55% मार्क्स होना चाहिए और जो SC ST कैंडिडेट हैं वो 50% मार्क्स। ठीक है, मतलब PG में आपका इतना होना चाहिए, वो भी रिलेटेड डिसिप्लिन में जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पर फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों मोड में एडमिशन मांगा गया है, और जो भी एप्लीकेशन आप 10-8 तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है, उसकी एक हार्ड कॉपी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, आपको हार्ड कॉपी जो है विद द सर्टिफिकेट्स बाई पोस्ट आपको भेजना है 17-8-2022 तक। कहाँ भेजना है? तो ये आपको भेज देना है यूनिवर्सिटी में। ठीक है, कहाँ पे? तो सब्जेक्ट का जो नेम होगा उसको आप एक इन्वेलप में करके डाल दीजिएगा और अपना नाम सब कुछ डिटेल ऊपर डाल दीजिएगा। तो आपको कोऑर्डिनेटर को भेजना है CET डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री भारतीयार यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर 64-1046, ये बताया गया है। ठीक है, अगर आपको
किसी भी क्वेरी के लिए कांटेक्ट करना है तो यहाँ पर नीचे इंक्वायरी रिगार्डिंग दिया गया है, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर वगैरह, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन जो जो सर्टिफिकेट लगेगा, जो जो चीज़ें लगेंगी, वो भी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आप पहले से इकट्ठा कर लें, फिर उसके बाद जो है तब आप एप्लीकेशन फिल करें। और एप्लीकेशन फिल करने के लिए यहाँ पर पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन दिया गया है, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सारी चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। देखो, सब्जेक्ट की चीज़ें तो अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको 2021 का प्रॉस्पेक्टस जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर सब्जेक्ट आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पर फुल टाइम पार्ट टाइम में मैनेजमेंट है, बायोटेक्नोलॉजी है, केमिकल साइंस है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन स्टडीज है, इंग्लिश है, लाइफ साइंस में बॉटनी, बायो इन्फॉर्मेटिक, जूलॉजी, ये सब चीज़ें हैं। मैथमेटिक डिपार्टमेंट है, फिजिकल साइंस है जिसमें कि फिजिक्स है, मेडिकल फिजिक्स है, नैनो साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सब। फिर सोशल साइंस का डिपार्टमेंट है, फिर अब तमिल एंड इंडियन लैंग्वेज का डिपार्टमेंट है, फिर अदर है जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे कॉलेज हैं, लगभग 100 से भी ज़्यादा कॉलेजेस हैं, और सभी में अलग अलग सीटें हैं, वो मतलब सेंटर आप एक प्रकार से कह सकते हैं। तो वो आप इसकी लिस्ट आप देख सकते हैं, मैं इसका भी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो इसको टेलीग्राम पे हम दे देंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, इसमें फुल टाइम पार्ट टाइम जो जो जैसे अवेलेबल है उसको बताया गया है, ठीक है। और कितने सेंटर्स हैं वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर 118 कॉलेजेस हैं, मतलब सेंटर हैं, जो स्कूल सेंटर हैं वो 118 हैं, और सभी में कुछ ना कुछ सब्जेक्ट ज़रूर अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके सारे सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे, आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं बहुत जल्दी, 10/8/2022 तक इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर छूटी है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, हम आपको कोशिश करेंगे कि जवाब दें, बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग दोनों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।